Hello student, good morning. Today I am going to solve some specific type of cyclic quadrilateral problem. Look, first question, in the given figure AB is the diameter of a circle with center O and CD is parallel to BA. If angle BAC is 20 degree, find angle BOC, COD, CAD एंड एंगल ए डी सी. ये चारों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है. पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए. इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल. दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल. ओके, विथ सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर. ठीक है, एंड सी डी इज पैरेलल टू बी ए. सी डी, दिस इज सी डी इज पैरेलल टू बी ए. ओके, सी डी इज पैरेलल टू बी ए. It means its direction is this. ठीक है रहा है. Angle BAC, angle BAC, BAC, this is 20 degree. Find angle BOC, BOC, this angle. COD, COD, this angle. And CAD, C ए डी, ये एंगल है. ठीक है, और ए डी सी, ए ए डी सी, ये एंगल है. ओके, अब ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए. फर्स्ट पार्ट में क्या है, एंगल अगर हम ध्यान दें तो बी ओ सी आर्क बी सी, आर्क बी सी द्वारा सेंटर पर सस्पेंडेड एंगल है. सेंटर पर सेंटर ओ है, तो बी ओ सी इज द एंगल मेड बाई दिस आर्क बी बी सी. अब आपको मालूम है कि सेंटर पर आर्क द्वारा बनाया गया सर्किल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल बने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर बने एंगल का डबल होता है. ठीक है ना, तो आप क्या लिख देंगे कि आर्क बी सी, आर्क बी सी सबटेंड एंगल बी ओ सी एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड एंगल बी ए सी, एंड एंगल बी ए सी, बी ए सी इज द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी. ओके, अब ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ट्वेंटी, कितना हो गया 40 डिग्री. तो एंगल बी ओ सी आ गया आपका ये 40 डिग्री. ओके, अब ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ओसी क्या होगा, ओसी जो है उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, है कि नहीं. ओसी जो है इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे, वो क्या कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, डी सी सॉरी सी डी इज पैरेलल टू बी ए एंड सी ओ इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल एंगल ओ सी ए, या आप कह सकते हैं ए सी ओ. ठीक है, एंगल ए सी ओ एंगल बी ओ सी, ये आपका 40 डिग्री है. ठीक है, और ओ सी सॉरी ओ सी डी, ये पूरा एंगल क्या होगा, 40 क्या कहते हैं, 40 डिग्री होगा. तो एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि OC और OB ये सेंटर से गए हुए लाइंस हैं, तो ये दोनों रेडियस होंगी, तो क्या हो गया, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC, तो OD इज इक्वल टू OC रेडियस, तब क्या हो जाएगा, एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल टू एंगल ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब इससे अगर हम ट्रायंगल ले लें तो ये ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC फ्रॉम ट्रायंगल DOC क्या हो जाएगा, एंगल OCD प्लस एंगल DOCD, तो ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये 40 प्लस एंगल DOC जो हमें निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 100 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये एंगल मिल गया, ओके। अब हमको निकालना है क्या कहते हैं, देखिए आपने क्या निकाल दिया, COD निकाल दिया, ये एंगल निकाल दिया, एंगल BOC निकाल दिया, फर्स्ट निकाल दिया, सेकंड निकाल दिया, अब निकालना है CAD, ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एंगल CAD के लिए, जब आपको मालूम है कि ये एंगल, देखिए ये एंगल सेंटर पे बन रहा एंगल है, कौन बना रहा है, आर्क DC, आर्क CD, अगर ये है ना आर्क DC बना रहा है सेंटर पर एंगल DOC, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे देखिए तो कौन एंगल बन रहा है, एंगल क्या, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल CAD, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे ये एंगल बनेगा CAD, समझ में आया ना, कि ये सेंटर पे बन रहा एंगल है, और कौन बन, किससे बन रहा है, आर्क DC से, ठीक है। ये एंगल आर्क DC द्वारा बना, सेंटर पे बना एंगल है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल इस पार्ट को छोड़ के, ठीक है, तो कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है ना। आप क्या लिख देंगे, कि यही चीज लिख देंगे, आर डी सी सबटेंड, आर डी सी सबटेंड एंगल DOC एट द सेंटर एंड एंगल CAD एंड एंगल CAD एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो देखिए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे अगर है तो एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOC, हाफ ऑफ एंगल 100, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब एंगल CAD आपने निकाल दी 50 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसको देखिए तो DC और BA पैरेलल लाइंस हैं, तो ये AD AC यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे कि DA पैरेलल टू BC, DA पैरेलल टू BC, सॉरी हाँ AB, DA पैरेलल टू CD पैरेलल टू BA एंड AC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल CAB
एंगल बी ए सी लिखिए, बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए एंगल डी ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री, एंगल 20 डिग्री हो गया। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, एंगल देखिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। एक है क्या कहते हैं एंगल ए सी डी आपने क्या निकाला है 20 डिग्री, ए डी सी आपको निकालना है, देख लीजिए ए डी सी आपको निकालना है, और प्लस डी ए सी ये 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। ओके क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये डायमीटर है, ये उसका सर्किल है, हाफ सर्किल बना सेमी सर्किल, उसमें जो है क्या कह रहा है कि डी सी और ए बी पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ दिया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे सी डी और बी ए पैरेलल होंगे, ठीक है। और हमको ये गिवन है कि ये एंगल 20 डिग्री है, एंगल बी ए सी 20 डिग्री है। तो एक तो पहले ये हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटर पे बना एंगल है आर्क बी सी द्वारा, ठीक है, आर्क बी सी द्वारा सेंटर बना एंगल क्या होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो ये पूरा तो हो गया। अब इस पूरे पार्ट पर यही सर्किल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है जो सिगमेंट में है इसके, ठीक है, इसके सिगमेंट इसके सामने होना चाहिए। तो देखिए तो ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा इसका, तो बी ओ सी ट्वाइस ऑफ बी ए सी हो गया। इसी तरह अगर इसको निकालना है तो पहले क्या करना है, इसको इसको पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल डी सी ओ सी डी जो है वो 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आया तो ये भी 40 डिग्री। अब ये और ये रेडियस ऑफ द सर्किल है तो ये दोनों साइड से इक्वल होंगे, तो इसके लिए इस कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल में से हम सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल लगा करके इस एंगल को निकाल लेंगे, ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ये पता है कि ये 20 डिग्री है, तो ये और ये पैरेलल लाइंस है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, ये सेंटर पे बन रहा एंगल है इस आर्क के द्वारा, आर्क डीसी द्वारा, तो इसके क्या कहते हैं इसके इक्विवेलेंट एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल डीएसी, ये 100 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस एंगल, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। फिर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला लगा के इस एंगल को निकाल लेंगे। ओके अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या है इन द गिवन फिगर टू सर्किल इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, ये पी है ठीक है पी एंड क्यू, इफ एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल ए इज 80 डिग्री एंड डी इज 84 डिग्री, कैलकुलेट एंगल क्यू बी सी एंड बी सी पी, क्यू बी सी ये एंगल और कह रहा है ए बी सी पी, बी सी पी ये एंगल। देखिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, पहला तरीका देखिए कि अगर आप देखिए तो ये पी क्यू ए डी ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो
तो पी क्यू ए डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल डी ए क्यू और एंगल डी पी क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल का सम बन जाएगा। तो एंगल डी ए क्यू, एंगल डी ए क्यू प्लस एंगल डी ए क्यू प्लस एंगल डी पी क्यू प्लस एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपको मालूम है 80 डिग्री, तो ये एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी पी क्यू कितना हो गया, डी पी क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल आ गया 100 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एंगल क्यू बी सी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल क्यू बी सी इक्वल टू एंगल डी पी क्यू। क्यों लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल वाला आपका क्या कहते हैं थ्योरम है। तो अगर ये क्यू बी सी कितना, क्यू बी सी कितना हो जाएगा, क्यू बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है ना, क्यू बी सी 100 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है ये बी सी पी, ठीक है, बी सी पी के लिए क्या करें। अब ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, ये और ये भी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, इसी क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। तो क्या क्या लिख देंगे, पी क्यू ए डी, पी क्यू ए डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका फिर सम कर दें, तो ए डी पी एंगल ए डी पी प्लस एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ए डी पी कितना है, 84 डिग्री, 84 डिग्री प्लस ए क्यू पी हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्यू पी कितना हो जाएगा, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 84 यानी 96 डिग्री। अब ये एंगल जो है, ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 96 डिग्री। देखिए, एक तरीका ये हमने निकाल के एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला यूज किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको और इसको पूरा, पहले इनको और इनको निकाल लिए, फिर इसको और इसको निकालने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यूज कर लिए, तो ये एंगल और ये एंगल मिल जाएगा। और फिर आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सपोज करके इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, अपोजिट एंगल का सम करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया, टू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में फिगर मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सर्किल है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू सर्किल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। अब देखिए, एक दूसरा सर्किल भी है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये छोटा सर्किल है, कह रहा है एट ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्ट एट ए एंड बी द सेंटर ऑफ ओ, एट द सेंटर ऑफ ओ, ये सेंटर ऑफ ओ है,
इस छोटे सर्किल का, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज ओ, ये है ओ, ठीक है, ओ एंड लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सर्किल, इस सर्किल के इस पे सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है। तो आपको निकालना है एंगल सर्किल। फिर कह रहा है पी ए सी एंड पी बी डी आर स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल ए पी बी इज 70 डिग्री, फाइंड ए ओ बी ए सी बी एंड ए डी बी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए ए पी बी कह रहा है, तो ए पी बी ये है पी, ठीक है। अब इसको इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे क्या किया है इसने, देखिए एक लाइन ऐसे ड्रा की है और इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये है डी और ये है सी, ठीक। अब इसको आपको बी को सी से ज्वाइन करना है, ये, और ए को डी से ज्वाइन करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल दिया है 70 डिग्री। अब आपको सबसे पहले निकालना है फर्स्ट पार्ट क्या है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ये ओ है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये एंगल ए ओ बी निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, देखिए ये आर्क ए बी, आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे बना एंगल है, और तो उस पे ए पी बी उसका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, रीजन वही लिख दीजिएगा जो मैं पीछे लिख के आ रहा हूं, ठीक है। तो क्या इतना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 70, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया 140 डिग्री। अब दूसरा निकालना है ए सी बी, ए ये देखिए ए सी बी, ये एंगल निकालना है, ये आपने निकाल दिया 140 डिग्री। अब देखिएगा एंगल ए ओ बी सी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, ये भी साइकिल को टच कर रहा है, ये भी सर्किल को टच कर रहा है, ये भी और ये भी, और एक ही सर्किल बड़े सर्किल को टच कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए ओ बी।